गाइस ये वाली न्यू ए इमेजेस देखो जो कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, जिसमें आपका एक करेक्टर नाइट बीच पे होगी और आप अपना कस्टम नेम डालकर इस तरह की एक अमेजिंग इमेजेस ए की हेल्प से इजीली जनरेट करा सकते हो आज की हमारी सीक्रेट क्रोम की मदद से, वो भी जस्ट वन टैप पे। सो यहाँ पर जैसे बॉयज की नेम एंड करेक्टर से इमेज जनरेट कराकर बहुत सारे अलग अलग नेम से अमेजिंग पिक्चर्स रेडी करे, क्या हम इस एक ही प्रोम से गर्ल्स के लिए भी इमेज जनरेट करा सकते हैं? तो हाँ भाई बिल्कुल करा सकते हैं और मैंने इस वीडियो पे प्रैक्टिकली करके बताया है, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए फिर आज के समझने की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जनरेटेड रूल पे आके यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम लिखा है इस प्रॉम्प्ट पे, उसे आपको हटाकर आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने क्रेसो लिखा, देन इस क्रिएट बटन को प्रेस करा, यहाँ पे क्रिएटिंग हो रही है, क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगी, तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये प्रॉम्प्ट आपको कैसे मिलेंगे एंड ये जनरेटर टूल पे डायरेक्टली कैसे आ सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे नेम से यहाँ पे इमेज जनरेट होके आ गई है, बट यहाँ पे नेम पे मिस्टेक आ रही है, तो इसके लिए क्या करूंगा, सिंपली मैं अगेन क्रिएट बटन को प्रेस करके फिर से जनरेट करा लूंगा, जिससे नेक्स्ट टाइम ये मेरे नेम की परफेक्ट इमेज क्रिएट करके दे देगी। सो आप देख सकते हो इमेज क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे जो नेम की स्पेलिंग है वो सही से आ गई है एंड जो पिक्चर आपको यहाँ पे परफेक्ट लगती है सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मतलब इस इमेज को सेव कर सकते हो। एंड नाउ मैं ट्राई करता हूँ आपके नेम से इमेज जनरेट करके, जो कि मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट करे थे। यहाँ पे नेम चेंज करके अगेन क्रिएट को प्रेस करा एंड यहाँ पे क्रिएटिंग हो रही है। एंड गाइस आप भी अपना नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम से इमेज जनरेट कर सको। एंड वो पिक्चर आपको सही लगती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वो पिक्चर के लिए डीएम कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है ये एज जनरेटर टूल है। आप अपने नेम से इमेज जनरेट कराओगे बट वो आपको एग्जैक्टली इमेज जनरेट करके नहीं देगी, मतलब आप यहाँ पे जो इमेजेस देख रहे हो वो आपको सेम टू सेम नहीं देगी। हाँ आपका नाम जरूर होगा बट पिक्चर्स पे थोड़ा सा चेंजेस होंगे, तो इसीलिए आप मेरे इमेजेस को ले सकते हो जिसमें आपका नाम हो। सो आप यहाँ से देखा यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस जनरेट होके आ जा रही है और यहाँ पे मैंने अमित नेम से भी पिक्चर जनरेट करा के यहाँ पे आपको दिखाया, देख सकते हो। एंड जो पिक्चर पे परफेक्टली नाम यहाँ पे जनरेट होके आएगी उसे यहाँ से सेव कर लेंगे। सो यहाँ पे नेम चेंज करके प्रांशु नाम से यहाँ पे इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ। नेम यहाँ टाइप करके क्रिएट को प्रेस करा, यहाँ पे क्रिएटिंग होगी, देन आपके नेम से भी इमेज जनरेट होके आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्रांशु नाम से बहुत ही सही से इमेज जनरेट हो गई है, बट कोई भी फोटो में नेम सही से नहीं आ रही है तो उसे आपको सेव नहीं करना है एंड जो नेम सही आ रही है उसे ही आपको सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने राहुल नेम से ट्राई करा एंड देखेंगे इसमें कैसे इमेज जनरेट होके आएगी। सो आप देख सकते हो राहुल नेम से भी इमेज जनरेट होके आ गई है, चार में से तो दो या तीन इमेजेस आपको सही मिलेंगे या फिर एक भी मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक ही इमेज को सेव कर सकते हो एंड फिर से जनरेट करा सकते हो, नेक्स्ट बार आपके नेम से परफेक्ट इमेज जनरेट करके दे देगी। सो बॉयज के लिए हमने जनरेट तो कर लिया एंड नाउ मैं ट्राई करने वाला हूँ गर्ल्स के लिए इमेज जनरेट करने के लिए इसी प्रॉम्प्ट से ही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो इमेज 25 ईयर ओल्ड लिखा है, 25 को 20 कर देना है और यहाँ पे जो क्यूट बॉय लिखा है उसे आपको गर्ल लिखना है। लास्ट में आपको नेम को चेंज कर देना, मतलब की बॉय का नेम लिखा है उसे आपको आप यहाँ पे गर्ल का नेम डालकर क्रिएट बटन को प्रेस कर देना एंड आपके लिए इमेज जनरेट होके आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्रिएटिंग हो रही है एंड देखेंगे गर्ल के लिए इमेज जनरेट होकर आती है नहीं। तो ना देख सकते हो गर्ल करेक्टर में इमेज जनरेट होके आ गई है बट जो नेम है वो सही से नहीं आ पाई है, तो यहाँ से मैं नेम को ही चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अंशिका लिख के जनरेट कर लेता हूँ क्योंकि कमेंट पे किसी ने नाम लिखा था, तो यहाँ पे क्रिएट को प्रेस करके यहाँ पे मैंने अंशिका नेम से जनरेट करा है एंड नाउ देख सकते हो इमेज जनरेट होके आ गई है। तो इस पिक्चर को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक कॉइन बचा है तो उसे मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंशिका नेम की जगह में मैंने ऐसा लिखा एंड हमें क्रिएट बटन को प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे क्रिएटिंग हो रही है एंड क्रिएटिंग होने के बाद वो नेम से भी इमेज जनरेट होके आ जाएगी। नाउ देख सकते हो यहाँ पे इमेज जनरेट होके आ गई है। सो इस तरीके से आप बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए ये नाइट बीच वाली अमेजिंग ये एडिटिंग कर सकते हो अपने नेम के लिए। एंड चलिए आपको बताता हूँ कि आपको ये प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेंगे एंड डायरेक्टली आप एज जनरेटर टूल पे कैसे जा सकते हो। सिंपली आपको कोई से ब्राउजर को ओपन करके गूगल पे लिखना या फिर डायरेक्टली यहाँ अपना एडिट लिख के सर्च कर देना, फर्स्ट वाली साइड यहाँ पे देखने को मिलेगा उसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगी बट यहाँ पे मेनू को प्रेस करना, देन ए फोटो एडिटिंग को प्रेस करना, यहाँ पे फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड कहीं पे भी। अगर आपको यहाँ नहीं मिलेगी तो सिंपली सर्च पे जाके ब्यूटीफुल बीच प्रॉम्प्ट लिख दो, इतना करने के बाद तो आपको 100% ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ नीचे आ जाना, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है उसे आप कॉपी करके जनरेटर टूल पे पेस्ट कर सकते हो, बट आप इतना मेहनत करना नहीं चाहते मेरी तरह, जस्ट वन टैप में मेरी तरह जनरेट करना चाहते हो, तो यहाँ क्लिक हियर टू कॉपी को प्रेस करो, डायरेक्टली आपको एज जनरेटर टूल पे ले जाएगी विद प्रॉम्प्ट, मतलब आपको प्रॉम्प्ट कॉपी करके एज जनरेटर टूल ओपन नहीं करना पड़ेगा एंड वहाँ पे पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बटन प्रेस करा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट के साथ एज जनरेटर टूल ओपन हो गया। जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट बटन को प्रेस करके इमेज क्रिएट
क्रिएट करा लेनी है। बट यहाँ पे मेक श्योर इस एज जनरेटेड रूल पे आपका आईडी क्रिएट होना चाहिए, आई मीन लॉगिन होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको आईडी क्रिएट करना नहीं आ रही तो मेरी वाली वीडियो को देख सकते हो, आप बिना जीमेल या अपना फोन नंबर दिए इजिली आईडी क्रिएट कर सकते हो कुछ ही सेकंड्स में। सो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। मैं फिर मिलने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।